Assalamu alaikum guys and welcome back to my YouTube channel. करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो क्लिक द बेल फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशंस। ओके गाइज, सो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट बर्मिंगम क्लीन एयर जोन। और जैसे कि आप में से बहुत सारों को पता होगा कि बर्मिंगम इज़ ऑन अ जर्नी टू अ क्लीनर एयर, और जो पोल्यूशन पैदा होती है गाड़ियों की वजह से वो बहुत ही नुकसानदेह है सेहत के लिए। जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे, जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं बड़ी शहरों के अंदर, तो इसलिए उन सब लोगों के लिए व्हीकल्स का पोल्यूशन जो प्रोड्यूस करता है व्हीकल, वो बहुत 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 नुकसानदेह है। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत बर्मिंगम के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आगाज़ होने जा रहा है क्लीन एयर जोन का। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो हमारी रेल है और हमारा मेट्रो बस सिस्टम्स है, वो बहुत तेज़ी से उनके अंदर तरक्की आई है, वो फास्ट हो गए हैं और मॉडर्न हो गए हैं। और इंग्लैंड के अंदर इंशाल्लाह 2022 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां भी बहुत ज़ोर शोर से जारी है। ये सब तरक्की हमारे लिए बेहद खुशी का बाइस है और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हम अच्छे से एंजॉय करें अभी और फ्यूचर में भी। और जब हमारी हवा साफ़ होगी तो हमारे लोग भी अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ख़ास करके हमारे छोटे बच्चे। इसीलिए क्लीन एयर बर्मिंगम पे हुकूमत ने बहुत ज़ोर दिया और कहा कि इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज सून एज पॉसिबल इन 2020, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन एज यू ऑल नो इट गॉट डिलेड अंटिल 2021। और खुशी की बात अब हमारे पास ये है कि इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई है ख़त्म और इंशाल्लाह ऑन 1 जून 2021 को बर्मिंगम में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आगाज़ होने जा रहा है क्लीन एयर जोन का। आप लोग भी सोच रहे होने, अगर आप लोग को नहीं पता कि क्लीन एयर जोन क्या होता है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि एक टारगेटेड जगह को लिया जाएगा टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। मेनली होगा कुछ यूँ कि जो मोस्टली पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा उस जोन में दाखिल होने से। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई गाड़ी उस जोन में दाखिल नहीं हो सकती, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी जिनका इंजन साफ नहीं होता उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होगा पर डे टू गो इन दैट जोन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि क्लीन एयर जोन के अंदर कौन कौन सी रोड्स शामिल की गई हैं जो 1 जून 2021 को उसका आगाज़ हो जाएगा। और यू हैव टू पे द फाइन, वरना आपके चार्जेस और होंगे और फिर आपके पास लेटर्स भी आएंगे और कोर्ट केसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपको फ़ाइन भी भरना होगा। तो इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जोन सी सारी रोड्स हैं A4540 मिडल वे रिंग रोड में, वो सब इसमें आएंगी, लेकिन जो मिडल वे रिंग रोड इट्सेल्फ है वो इसके अंदर नहीं है। मैं थर्ड स्टेप में आपको बताने जा रही हूँ कि इसके टाइमिंग्स और डेज़ कौन कौन से डेज पे और कौन कौन से टाइमिंग्स में आपको ये चार्ज पे करना होगा। लाइक अगर आप उस जोन के अंदर गए उस वक़्त में या उस दिन को, तो आपको चार्ज पे करना होगा। तो ये 365 डेज़ अ ईयर एंड 24 आवर्स अ डे ये वर्क करेगा, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, सो यू हैव टू पे इट। इसके चार्जेस डेली अप्लाइड होंगे और जो गाड़ियां नॉन कम्प्लाइंट है, जिनके इंजन साफ़ नहीं है, उनको वंस अ डे पे करना होगा ये चार्ज, और वो जोन में अनलिमिटेड टाइम्स के लिए आ सकती हैं।
अगर आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की गाड़ी कंप्लाइंट है कि नहीं है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है। नीचे आप जाके उस लिंक पे क्लिक करें और जाके अपनी गाड़ी का नंबर डालें और आपको डिटेल्स आ जाए और आपको डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या आपकी गाड़ी उस जोन में अलाउड है कि नहीं है। और अगर आपको क्लीनर एयर चाहिए विदाउट एनी चार्ज, अगर आपकी गाड़ी आती है उस जोन में पे करने के लिए ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम, जब भी आप उस जोन में जाएंगे, रोज़ जाएंगे, यू हैव टू पे, तो अगर आपकी गाड़ी आती है उस जोन में पे करने के लिए, तो आप सबसे बेस्ट काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी को करें अपग्रेड और ले अपने लिए एक शानदार किस्म की फुली इलेक्ट्रिक कार, जो ना कि आपको फ़ायदा देंगी बल्कि वो आपके जो एनवायरनमेंट है उसको भी फ़ायदा देंगी, क्योंकि उसकी एमिशन कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। वैसे भी वो गाड़ियाँ जो होती हैं वो वेरी इकोनॉमिक कार्स होती हैं, सो यू गाइस आर गोइंग टू लव इट। आई होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड मैनी ऑफ यू गाइस। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशंस। और मैंने लिंक नीचे आप लोग से शेयर किया है जिस पे आप जाके देख सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी क्लीन एयर जोन में विदाउट चार्ज जाएगी, एल्स यू हैव टू पे चार्ज टू एंटर द जोन। एंड ऑन दैट नोट गाइस, आई विल से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। अनटिल देन, बाय।